तो गाइस आज इस वीडियो में ऐसी सात चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने डिवाइस को रूट करने से पहले करनी चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूज हो और आप सोच रहे हो कि रूटिंग से पहले हमें कुछ करना होता है कि नहीं, या फिर अगर आप रूटिंग में एंटर भी होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना क्योंकि ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। रूटिंग से पहले ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो चलो फिर आप शुरू करते हैं। नंबर वन, अपने फ़ोन का पूरा बैकअप लेके चलना। आपका जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, पिक्चर्स, फाइल्स वगैरह जो कुछ भी हैं, वो एक पेन ड्राइव में, अपने पीसी में कहीं भी स्टोर करके चलना। और अपने एप्लीकेशंस का भी बैकअप ले लेना। प्ले स्टोर पर कई सारी एप्लीकेशन लाइक ऐप बैकअप एंड रीस्टोर, ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन का बैकअप ले लेगी। आपको कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अपना डाटा का बैकअप लेना है क्योंकि रूटिंग हमेशा एक रिस्की प्रोसेस होता है। एंड हो सकता है प्रोसेस में आपका डाटा लॉस हो जाए, आपका पूरा फ़ोन फॉर्मेट हो जाए, हार्ड रीसेट हो जाए, कुछ भी ऐसा कंडीशन हो सकती हैं। तो इस वजह से हमेशा अपने फ़ोन का बैकअप लेके रखना। अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपने फ़ोन पर, टेस्टिंग, रूटिंग वगैरह में कुछ भी, तो डाटा हमेशा बैकअप लेके चलना। नंबर टू, अगर आपके फ़ोन में बैंकिंग ऐप्स हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा रूटिंग से पहले उन्हें रिमूव कर देना, क्योंकि देखो रूटिंग के बाद कई सारी एप्लीकेशन के पास सिस्टम लेवल तक की परमिशंस होती हैं, मतलब वो किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकती हैं सिस्टम लेवल तक। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके में जितने भी बैंकिंग ऐप्स है, भीम वगैरह या गूगल पे जो भी है, जो भी आप यूज़ करें, उनको रिमूव कर देना, अपने डूटे डिवाइस में यूज़ मत करना। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। हम रूट वगैरह हाइड करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप उनसे रूट हाइड कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप यूज़ कर सकते हो। लेकिन शुरुआत के लिए मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा कि आप रूटेड फ़ोन में बैंकिंग ऐप यूज़ मत करना, थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। थर्ड पॉइंट है अवॉइड रूटिंग ऐप्स। अब मेरे यहाँ पर रूटिंग ऐप्स का मतलब है किंग रूट, किंग रूट, या जितने भी ये वन क्लिक रूट मेथड्स होते हैं, इन सबको अवॉइड करना सीखो। क्योंकि देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन एक क्लोज्ड सोर्स एप्लीकेशन है, मतलब हमें पता नहीं है कि बैकएंड में क्या कर रही है, बैकएंड में क्या डाटा आपका फैच कर रही है, कहाँ अपलोड कर रही है, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप जैसे किंग रूट एप्लीकेशन या किंग रूट एप्लीकेशन से अपने डिवाइस को रूट करते हो तो रूट तो हो जाएगा बिना किसी बूट लोडर अनलॉक वगैरह के, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके फ़ोन के डाटा के संग वो क्या क्या कर सकती है। क्योंकि देखो उसके पास रूट परमिशन है, उसके पास आपके सिस्टम लेवल तक की एक्सेस है, तो आपको नहीं पता चलेगा वो क्या क्या कर देगी आपके फ़ोन के संग, कितना डाटा फैच कर लेगी एंड कहीं अपलोड कर देगी, ये हमें नहीं पता। इनको अवॉइड करने की कोशिश करना रूटिंग के प्रोसेस के लिए। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है वो है बैटरी। बैटरी इज इम्पॉर्टेंट। आप ऐसा सिनेरियो समझो, आपके फ़ोन की 10-12% बैटरी है एंड आप उसे रूट कर रहे हो, आप प्रोसेस के बीच में हो, तभी आपके जो फ़ोन की बैटरी है वो पूरी लो हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रूटिंग प्रोसेस थी वो आधी हुई होगी या कुछ भी जो प्रोसेस था वो आधा हुआ होगा, तो आपका फ़ोन ब्रेक हो सकता है, डेड हो सकता है, स्टक हो सकता है। ऐसे वर्स्ट सिनेरियोज हो सकते हैं आपके फ़ोन के संग अगर आप बैटरी को कंसिडर करके नहीं चलोगे। तो हमेशा आपने देखा भी होगा, अगर आप XGA पर जाकर कोई भी रूटिंग फॉरम, रूटिंग गाइड चेक करोगे तो वहाँ पर भी हमेशा मैंशन होता है कि अपनी बैटरी 50-80% से ज़्यादा ही रखना जब भी आप रूट कर रहे हो अपने डिवाइस को, क्योंकि एक मैटर करता है, बैटरी मैटर करती है। क्योंकि अगर रूटिंग के प्रोसेस में, टीडब्ल्यू आर पी के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में अगर आपकी बैटरी डेड हो गई तो आपका फ़ोन भी डेड हो सकता है। हमेशा 50% से ऊपर बैटरी लेके चलना, कोई भी अगर आप रूटिंग प्रोसेस कर रहे हो या टीडब्ल्यू आर पी इंस्टॉल कर रहे हो, 50% से ज़्यादा बैटरी हो तभी आगे बढ़ना। ओके, जो फिफ्थ पॉइंट है, काइंड ऑफ ऑब्वियस पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको रूट कैसे करना है, मतलब आपको पूरी गाइड्स पता होनी चाहिए आपके फ़ोन के लिए, आपके फ़ोन के मॉडल के लिए। आपको TWRP पता होनी चाहिए मुझे कौन सी यूज़ करनी है, मतलब आपको एक प्रॉपर गाइड पता होनी चाहिए आपको अपने फ़ोन के लिए कि मुझे एक्चुअली में स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं। अगर सैमसंग का है तो मुझे ओडन यूज़ करना पड़ेगा, अगर फास्ट बूट मोड डिवाइसेज है तो मुझे फास्ट बूट के लिए कमांड्स यूज़ करने पड़ेंगी, मुझे ADB यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको एक पूरी नॉलेज होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि मैं ये करने वाला हूँ। क्योंकि अगर बीच में कोई भी स्टेप गलत हो जाता है या मिस कर देते हो आप कोई स्टेप, तो आपका फ़ोन स्टक हो सकता है, बूट लूप हो सकता है, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपको इन सब से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इस वजह से आपको पूरी गाइड पता होनी चाहिए एंड आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं। तो ये बात आती है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए आपको कैसे रूट करना है अपने डिवाइस को। ओके, जो सिक्स पॉइंट है वो है कि आपको ये भी पता होना चाहिए रूट करने से पहले कि अगर मैं वापस जाना चाहूँ अपने डिवाइस पे, मतलब जैसा मेरा सॉफ्टवेयर आया था फ़ोन के संग, अगर मैं वापस उसी सॉफ्टवेयर पर जाना चाहूँ, मतलब अपना फर्मवेयर रिफ्लैश करना चाहूँ जैसा मेरा डिवाइस था ओरिजिनली, वो मैं कैसे कर पाऊँगा।
फॉर एग्जाम्पल कीजिए, लाइक आपका सैमसंग का कोई डिवाइस है एंड आप उसमें रूटिंग वगैरह कर रहे हो, लेकिन रूट करने से पहले आपको उसके बारे में ये पता होना चाहिए अगर मैं इसमें फर्मवेयर दोबारा फ्लैश करना चाहूँ, मतलब इसको ओल्ड स्टेट में लाना चाहूँ जैसा मेरा डिवाइस था पहले रूट करने से, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। अब सैमसंग में केस में क्या होगा, आपको ओडिन यूज़ करना पड़ेगा और सैमसंग का ओरिजिनल जो फर्मवेयर आपके डिवाइस का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके रखना होगा। इससे होगा कि अगर कुछ बीच में आपको लगता है गड़बड़ हो गई, कुछ भी गलत हो गया, तो आप वापस तो अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो ओडिन के जरिए। मैंने सैमसंग का केस बताया, ऐसे ही आपको अपने डिवाइस के लिए ये चीज रिसर्च करनी होगी। अगर मैं वापस जाना चाहूँ अपने स्टॉक एंड्रॉइड पर वापस जाना चाहूँ, मतलब जैसा मेरा डिवाइस आया था कंपनी से, जैसा डिवाइस आया था मेरे को मिला था, अगर मैं वही सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, ये आप रूट करने से पहले अपने डिवाइस को रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये भी ज़रूरी पड़ जाता है। अगर आप बीच में कहीं फंस जाते हो, अगर आपको पसंद नहीं आ रही रूटिंग, तो आप अगर वापस जाना चाहो तो आपको वो पता होना चाहिए कि मुझे वापस कैसे जाना है। ओके, अब हम आ चुके अपने लास्ट पॉइंट पे, यानी कि सेवन्थ पॉइंट पे, एंड वो है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपने फ़ोन को अनरूट कैसे करना होगा। रूटिंग के लिए तो आपने रिसर्च वगैरह कर ली होगी कि ऐसे रूट होगा, लेकिन ये भी रिसर्च कर लेना कि अनरूट कैसे होगा। वैसे बहुत सिंपल है, मैं यहीं बता सकता हूँ, अगर आप सुपर सू फ्लैश करोगे वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं अनरूट के, या फिर अगर आप मैजिक्स यूज़ कर रहे हो तो मैजिक्स के अनइंस्टॉलर जिप आती है, अगर आप उससे फ्लैश कर दोगे तो मैजिक्स अनइंस्टॉल हो, लेकिन तब भी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी रिसर्च कर लेना कि मुझे अनरूट कैसे करना होगा। तो वैसे ये थे वो सारे के सारे पॉइंट्स, एंड मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए जो भी रूट करने जा रहा है, अपने फ़ोन को रूटिंग में एंटर करना चाह रहा है, उससे पहले ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी रूटिंग जर्नी के लिए। तो मेरा चैनल ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आप रूट करना चाह रहे हो, रूटिंग में कुछ भी करना चाह रहे हो, मेरे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो वैसे आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ये पॉइंट्स जितने ही मैंने कवर करे आपको पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस आएंगी मेरे चैनल पर। तो मिलूंगा मैं आपसे एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।